नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा बिहार से आए हैं उसके बारे में आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। इसके जो फॉर्म भरने की डेट है वह है 17 जनवरी और लास्ट डेट है 30 जनवरी। ये जो आवेदन फॉर्म आए हैं वो 4 फैकल्टी के 17 सब्जेक्ट्स में आए हैं। पहली है कॉमर्स, दूसरा ह्यूमनिटीज, ह्यूमनिटीज में सब्जेक्ट जो है वो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और फिलॉसफी। तीसरा है साइंस, इसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और मैथमेटिक्स। चौथा है सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी। ठीक है, ये चारों फैकल्टी में जो है आवेदन जो है आमंत्रित हैं। आवेदन फॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लूँ तो आपके मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, और जिन कैंडिडेट को छूट है वो है एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओई और ओबीसी कैंडिडेट को। अगर आपकी 50% मार्क्स भी तभी भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर जिन कैंडिडेट को छूट है उनके बारे में अगर रिटन टेस्ट है जिन कैंडिडेट को छूट है उनके बारे में अगर बता दूँ तो अगर आपने यूजीसी, नेट, गेट, सीएसआईआर, एमएचआरडी स्कॉलरशिप या टीचर फेलोशिप प्राप्त कर रहे हो या डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीआर, डीएसटी इंस्पायर, सीएसआईआर, आईसीएचआर, ऐसा कोई भी फेलोशिप आप प्राप्त कर रहे हैं या के लिए एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप फॉर्म से आपको भरने से रिटन टेस्ट से आपको छूट मिलेगी। सेकेंड नंबर पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इन्हें भी एग्जामिनेशन से रिटन टेस्ट से छूट है, थर्ड नंबर पर है नॉन टीचिंग एम्प्लॉय जो 5 वर्षों से किसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, उन्हें भी रिटन टेस्ट से छूट दी गई है। ओके, अगर टेस्ट फीस की बात कर ले तो जनरल, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है 2500 और एसटी एससी वुमेन कैंडिडेट के लिए जो फीस रखी गई है वो है 1500। मोड ऑफ पेमेंट है जो है वो ऑनलाइन है। रिटन टेस्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो दो टाइप के पेपर होंगे, मतलब दो पेपर होंगे। पेपर वन जो है ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जनरल और रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और दूसरा जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और ये है सब्जेक्टिव टाइप होगा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अगर आपके मैं आपसे सिलेबस डिस्कस कर दूँ करना चाहती हूँ तो पेपर वन में है, अगर पेपर वन की बात कर ले तो कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे तो पहला है रिसर्च एप्टीट्यूड से आपके 10 क्वेश्चन होंगे, जन लैंग्वेज एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 5, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 5, डाटा इंटरप्रिटेशन से 5, इन्वायरमेंट से 10, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईसीटी से आपके 5 क्वेश्चन। ठीक है, अगर पेपर टू की बात कर ले, पेपर टू में जो है 9 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन सेक्शन ए से आएंगे और 4 सेक्शन बी से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन सी से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 9 क्वेश्चन जो है ये सब आपके होंगे और ये आपको रिटर्न इसका जो होगा ऐसे टाइप ये होंगे और ये 100 मार्क्स के होंगे। ओके, तो जो भी कैंडिडेट मतलब इंटरेस्टेड है वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर दे। धन्यवाद।